थी घर के सामने, तीन दिन के नाच कराते वहां पर खड़े हो गए। क्यों? प्रभुपाद के साथ मिलना चाहते थे ठाकुर जी, और ये बताना चाहते थे कि जो प्रभुपाद जी हमारे लिए जन है, और एक दिन संपूर्ण विश्व में ये हरि भक्ति को प्रचार और प्रसार करेंगे। तीन दिन तक रुके रहे, लेकिन जब उनकी माता भगवत देवी भक्तिविनोद ठाकुर जब श्री प्रभुपाद को लेकर के श्री जगन्नाथ के चरण में इन्होंने प्रणाम कराया, उसी समय जगन्नाथ की माला अपने आप टूट करके इनकी गले में गिरा था। ठीक आज उसी तरह श्री प्रभुपाद की कथा का समय में, कीर्तन का समय में श्री ताऊ भैया श्री बलदेव प्रभु का भी माला अपने आप टूट करके देखो इसका मतलब है ये सूचित करना चाहते हैं, ये प्रभुपाद कौन है, गति श्री आदि गुरु श्री बलदेव प्रभु इनकी प्रकाश श्री प्रभुपाद हैं। इसलिए ये चीज को श्री बलदेव प्रभु बताना चाहते हैं, श्री प्रभुपाद मेरे निज जन हैं और सचमुच से मेरा ही स्वरूप रूप में प्रभुपाद आकर के जगत में हरि भक्ति को प्रचार किया। और आज हमारे ब्रह्मचार्य लोग भी बड़े सुंदर सुंदर प्रभुपाद की कथा सुनाए, मानो श्री बलदेव प्रभु संतुष्ट है। आज जो प्रभुपाद की हरि कथा हुई सुन करके बलदेव प्रभु स्वयं गदगद हो गए, और गदगद होकर के इनके महाराज की स्वयं यहाँ पर सेवा प्रणाम हुआ। बड़े श्रद्धाओ भाई आती सुदर्शन चक्र की सुभद्रा देवी की भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद प्रभुष्ठ भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज की जय, प्रभुष्ठ भक्ति विदान श्री लाभ नारायण गोस्वामी महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, पिता प्रमाण महाप्रसाद की। आप लोग कांबर की आसन को उठा दो, सब लोग मिलकर उठाओ और लाइन करके अच्छे तरह से बैठ जाओ। हरे कृष्णा, इसको उठाओ सबके सब मिलकर, सब सब बैठे, सब बैठने का चक्कर में सब उठाओ सबके सब, कोई खड़े सब उठाओ, हाँ सबके सब ठीक अच्छे तरह से उसको फोल्ड कर।